कृषि कानून के खिलाफ पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहे किसान अभी तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार साफ कर चुकी है वो नए कृषि बिल को वापस नहीं लेगी, बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन में अलग अलग किसान संगठन शामिल है और ये सभी आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन संगठनों को केंद्र सरकार की बात समझ नहीं आ रही है। कोरोना महामारी के बावजूद आंदोलनकारी आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और बयान दिया है। टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के जमावड़े को सरकार दिल्ली की सीमाओं से हटाकर हरियाणा के जींद भेजना चाहती है, लेकिन किसान इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं के प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे। इससे पहले उन्होंने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत सोशल मीडिया पर भी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ भड़कते हुए नजर आए। राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो भड़कते हुए नजर आए। टिकैत अपने पोस्ट में कहते हैं कि सरकार हठधर्मिता पर उतारू है। राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान आंदोलन की जीत होगी, सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। राकेश टिकैत के पोस्ट पर लोगों ने टिकैत को ही लताड़ लगा दी है। धर्म नाम के एक यूजर ने लिखा है कि हरियाणा में जो ये राजनीति कल से हो रही है इसको बंद करके आंदोलन को सही रास्ते पर रखो। पीयूष ने लिखा कि इस कोरोना काल में ना कोई मास्क ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग। संजय जैन नाम के शख्स ने लिखा है कि राकेश टिकैत भूल गए हैं कि ये कांग्रेस नहीं ये मोदी जी हैं। सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत यूपी से हैं तो वहाँ किसान नहीं है, वहाँ आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मोदी से योगी का डर ज्यादा है शायद। किसान के बहाने अपनी राजनीति करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। केशव सिंह ने लिखा है कि हल निकालकर सम्मान के साथ घर वापसी करो, जो थोड़ा बहुत इज्जत और सम्मान बचा है उसे बचा कर रखो। हम भी तन मन धन से साथ थे, अब आंदोलन की सच्चाई सामने आ गई है। ये किसान आंदोलन नहीं राजनीति फायदा आंदोलन हो गया है। दरअसल टिकैत की राजनीति को आम लोगों के साथ किसान भी समझ रहे हैं, लेकिन टिकैत बार बार किसानों को बरगला कर आंदोलन करने के लिए मजबूर किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो कृषि बिल पर झुकने वाली नहीं है। ऐसे में देखना होगा टिकैत इन किसानों के सहारे और कितने दिन आंदोलन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।